आज मैं आप लोगों को तुलसी के पौधे की अति विशेष जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। यह जानकारी इतना कमाल का है कि आप प्रयोग करके ही विश्वास करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। थंबनेल और टाइटल देख के थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सी जानकारी छुपी हुई है आज मैं जो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तुलसी का जो पौधा होता है ना दोस्तों, वह दो प्रकार का होता है। आप में से बहुत से लोगों को जानकारी होगा, एक होता है राम तुलसी और दूसरा होता है श्याम तुलसी। राम तुलसी के पत्ते कुछ हरे प्रकार के होते हैं और श्याम तुलसी के पत्ते जो है कुछ श्याम कलर के होते हैं, यानी थोड़े से काले कलर के होते हैं। और दोनों में साफ अंतर दिखाई देता है इसके पत्तों को देखने से, और दोनों का गुणधर्म जो है थोड़ा बहुत अंतर होता है। राम तुलसी का औषधीय गुण थोड़ी सी कम होती है और श्याम तुलसी में औषधीय गुण थोड़ी ज़्यादा होती है। आज मैं आप लोगों को तुलसी के वह चमत्कारी गुण योग बताने वाला हूँ जिस प्रयोग को आज के ज़माने में हर दूसरा व्यक्ति चाहता है। आपको मैं एक बहुत ही चमत्कारी दिव्य प्रयोग बताने वाला हूँ तुलसी का, जिसका प्रयोग करके आप हैरान रह जाओगे। तो देखते रहिए बस वीडियो को, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको दो तीन प्रयोग बताऊँगा जो बहुत ही कारगर है। सबसे पहले प्रयोग मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जिनमें नपुंसकता है, नामर्दानगी है और जिनका वीर्य में बहुत कम शुक्राणु है। मतलब वे तो मर्द हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने होना चाहिए। उनके शारीरिक शक्ति पहले थी बहुत लेकिन अब कम हो गई है। तो उनकी स्पर्म काउंट बढ़ाने वाला, शुक्राणुओं की संख्या वृद्धि करने वाला और शरीर को लबालब करने वाला, सबसे पहले इस तुलसी से प्रयोग बता देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को स्तंभन शक्ति शरीर में हमेशा बना के रखने वाला एक अचूक प्रयोग बताऊंगा जो आपके हर बार के रति क्रिया को इतनी ज़्यादा टाइम तक बढ़ाएगा। सप्ताह में एक या दो बार से ही आपका पूरा मन भर जाएगा। आप सोचने लगोगे कि शरीर में ऐसा भी ताकत होता है जो घंटों घंटों तक साथ देता है। घंटों तक क्या, कई घंटों तक। और ये रियल और सही बात है, भले कोई माने ना माने लेकिन आयुर्वेद में इसकी शक्ति भरी हुई है। अब जो लोग नहीं जानेंगे वे लोग तो यही कहेंगे कि ये सब फालतू की बातें हैं और ये सब नहीं होता। 90% लोग इस बात से भरोसा उठा चुके हैं कि नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम किसी का नहीं होता। तो ठीक है, नहीं होता, लेकिन इस फार्मूला को करने से, इस औषधि प्रयोग को अपनाने से लगातार एक दो महीना, तो हमेशा हमेशा के लिए ये टाइम आपका लॉन्ग टाइम बन जाएगा। विश्वास ना हो तो प्रयोग करके देख सकते हो मैं जो आप बताऊंगा। सबसे पहले आपको वीर्यवान पुरुष बना दिया जाए, उसके बाद जो कई घंटों तक रोकने की क्षमता होती है उस शक्ति को बताया जाएगा कि यह तुलसी कितना पावरफुल है, आपको भी पता चल जाएगा। तो संतान उत्पत्ति के लिए या फिर वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपके शरीर में शुक्राणु की संख्या भरपूर होनी चाहिए, वीर्य की संख्या लबालब शरीर में भरी होनी चाहिए, सप्त धातु पुष्ट होनी चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करिए, यह तुलसी का जो मंजरी होता है उसको आप तोड़ लीजिए और उसका जो छोटा छोटा बीज होता है उस बीज को निकाल लीजिए। तो आप इस तरह से बहुत सारे तुलसी में इकट्ठा करोगे तो आपको मिलेगा। अगर आपके आसपास में है तो आप किस्मत वाले हो, अगर नहीं है तो आप पंसारी के यहाँ से, दवाई दुकान से भी खरीद सकते हो। तुलसी की बीज यानी तुलसी की मंजरी बोलोगे तो भी सेठ यहाँ मिल जाएगा, दे देगा आपको। इस तरह से तुलसी की मंजरी खरीद के ले आना, 20-50 जैसा भी आपसे बन पड़े उतना, और लाने के बाद उसको बारीक पीस के पाउडर बना लेना। उसके बाद आपको इसमें मिलाना है तुलसी के पौधे की जड़, यानी जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो कई कई जगह उसकी उखाड़ लेते हैं उसकी जड़ को, और उसकी जड़ को या फिर पौधे को फेंक देते हैं। तो ऐसे बर्बाद ना होने दें, उसको उखाड़ के उसकी जड़ को काट के रख लें, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो जो पुरानी हो चुकी है तुलसी उसके जड़ों को निकाल करके, काट करके, धो करके, सुखा करके उसका भी पाउडर कर लें। और तुलसी के बीजों का पाउडर और तुलसी के जड़ों का पाउडर, इन दोनों के पाउडर को बराबर मात्रा में मिला के उन दोनों को किसी डिब्बे में अच्छे से रख लें, तुलसी की जड़ का पाउडर और तुलसी के बीजों का पाउडर। अब उन दोनों में से एक एक चम्मच, मतलब दोनों का बराबर मात्रा में जब मिलाओगे तो उनमें से एक चम्मच निकालना है आपको, और एक चम्मच निकाल के एक या आधा चम्मच शहद के साथ आपको उसे मिलाना है, और मिला के
अच्छे से पेस्ट बना के या फिर जैसा भी मन करे आपको, मतलब एक चम्मच पाउडर और एक चम्मच शहद के साथ खाना है। और खाने के बाद ऊपर से हो सके तो थोड़ा बहुत दूध पी लें या फिर गुनगुना पानी पी लें। इस तरह से सुबह शाम दो टाइम आपको करना है, भोजन के या नाश्ता के बाद। अब ये तो हो गया आपको मर्द बनाने वाला अचूक देसी प्रयोग। निसंदेह इस तरह से प्रयोग करके आप हमेशा वीर्यवान और नौजवान बने रह सकते हो, आपके शरीर में कभी शुक्राणु की कमी नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को जो रोकने का टाइम होता है बहुत अधिक समय तक, स्तंभन शक्ति जिसे बोलते हैं, उस शक्ति को आपको बता रहा हूँ। इस तुलसी में इतनी ताकतवर औषधि गुण भरी हुई है कि आपको मैं क्या बताऊँ। एक तुलसी हजार बीमारियों की दवा है, लेकिन मैं हजार बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी जो इस स्तंभन शक्ति की खास प्रयोग है उसको आपको बता रहा हूँ। ये दोनों प्रयोग अगर आप आज कर लेते हो या फिर भविष्य में कभी भी करते हो तो आपको कोई भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में कुछ कमी पड़ेगी ही नहीं। तो स्तंभन शक्ति को सशक्त और मजबूत करने के लिए आप इसके जड़ों को, सिर्फ इसके जड़ों को खोद करके इसका पाउडर बनाना है। तुलसी के पौधे का जो जड़ है उसको खोद के निकाल के उसका सुखा करके उसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आप उसमें एक और चीज़ मिलाना है जो उसका मान के चलो सार तत्व है, और वो चीज़ क्या है, जिमीकंद का पाउडर। यानी जिमीकंद आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वे लोग जिमीकंद लिख करके YouTube में सर्च कर लेना, नेट में सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा कि जिमीकंद क्या है, कहाँ मिलता है। गांव देहात में मिलता है और बहुत बड़ा बड़ा होता है, मार्केटों में बिकता रहता है। एक प्रकार का वो कंद है, उसकी साग सब्जी बनाई जाती है। और जिमीकंद जो है बवासीर की भी अच्छी दवा होती है। फिलहाल मैं जिमीकंद की और जानकारी किसी और वीडियो में बताऊँगा। आप बस जिमीकंद खरीद के ले आना बाजार से, या फिर गाँव देहात में मिल जाता है वहाँ से, और उसके कंद को कद्दूकस कर लेना, यानी उसको छोटी छोटी काट लेना, घिस लेना, और उसको सुखा के उसका भी पाउडर कर लेना। अब जिमीकंद का पाउडर हो गया और ये तुलसी का यानी श्याम तुलसी के जड़ का पाउडर हो गया। दोनों के पाउडर को बराबर मात्रा में मिला के आपको डिब्बे में रख लेना है। मान के चलो बस ये आपका दवा तैयार हो गया। लेकिन इसको खाना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। जो पान ठेला में बंगला पान मिलता है, जिसे बंगला पान भी बोला जाता है, जिसकी लौंग इलायची चवन चटनी डाल के पान बना के बड़े चाव से खाते हैं, समझ में आ गया होगा, दिखा रहा हूँ पत्ते को। ये पान का पत्ता आपको लेना है, एक पत्ता या आधा पत्ता जैसा आपके मुंह में आ जाए, और उसमें आपको ये मिश्रण डालना है। कौन सी, यही श्याम तुलसी की जड़ वाली और जिमीकंद वाली, दोनों के मिश्रण को एक चम्मच निकालना है। एक चम्मच मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इसको भी ध्यान रखना, मैं ग्राम में बता रहा हूँ, 3 से 5 ग्राम, छोटा चम्मच मतलब 3 से 5 ग्राम निकालना है, और उसमें पान के पत्ते में डालना है। और सुबह नाश्ते के बाद या भोजन के बाद जैसा भी चाहें आप, उसके बाद पान के पत्ते में लपेट करके मुंह में डाल के, जैसे पान सुपारी चबाते हो गुटखा तंबाकू, उसी तरह से इसको भी मुँह में रख के दबा के, निगलना नहीं है डायरेक्ट, चबाते रहना है, और चबा चबा के आराम से चूसते रहना, सुबह एक टाइम और शाम को एक टाइम। यह प्रयोग अगर आप 10-15 दिन भी कर लेते हो तो आपके शरीर की स्तंभन शक्ति उद्दीपन हो जाएगा और आप स्तंभन शक्ति के सम्राट बनने लगोगे। मतलब आपको 10-15 दिन में फर्क पता चलेगा, आप संभोग करोगे तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहीं खत्म नहीं करना है आपको, माने आपको ज़्यादा तकलीफ कहाँ हो रही है, आप बस 2 बार दिन में पान के पत्ते में रख के चूसते रहना है। तो इसको लगभग आप 1 से 1.5-2 महीना तक उपयोग करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बल्कि पूरे ज़िंदगी भर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस तरह का प्रयोग आप लगभग कम से कम 1 माह तो अवश्य करें, तब जाके आपको इस औषधि पर भरोसा होगा और विश्वास आएगा। आयुर्वेद को आप, मैं सच कहता हूँ, दिल से उसी दिन नमन करोगे जिस दिन आप 1 माह इस्तेमाल कर लोगे। आप भी सोचने लग जाओगे कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, सामान्य से ऊपर हूँ, क्योंकि मुझ में टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से होता है दोस्तों, श्याम तुलसी की जड़ का पाउडर और जिमीकंद का पाउडर और पान के पत्तों का कमाल। तो बस आज की वीडियो में इसी जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर करना था, सो मैंने कर दिया। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर दिन इसी तरह की नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। मैं मिलता हूं किसी और अच्छे औषधि वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।